आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिका हट चुका है और अपने सभी सैनिकों की वापसी कर चुका है। आप ही सोचिए कि आप मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में 20 सालों तक काम करते हैं और उस क्षेत्र को आप लोग छोड़ते हैं, तो उसके बाद आप लोग मूल्यांकन भी तो करेंगे, या फिर आपके आसपास के लोग भी मूल्यांकन तो करेंगे कि आखिर 20 साल वहां आपने दिए, उस क्षेत्र में काम किया, उसके बाद पाया क्या, क्या उपलब्धि हासिल की हुई है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने आखिर क्या उपलब्धियां हासिल कर ली, क्योंकि आप देखते हैं कि सन 2001 से लेकर 2021 तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा। यहां 20 साल तक रहने के बाद आखिर उसने क्या खोया और पाया भी क्या, आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बता देते हैं कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक आतंकवादी हमला होता है, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 3000 के आसपास लोग मारे जाते हैं इस आतंकी हमले में। उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका हमला करता है अफगानिस्तान की, यही तालिबान जो संगठन है इस पर करता है, क्योंकि माना जाता था कि तालिबान का हाथ या समर्थन है इस आतंकी घटना को। उसके बाद आप देखेंगे कि सन 2001 में तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में था, तो उसे सत्ता से बेदखल कर देता है अमेरिका। और आप सोचिए 20 साल बाद अमेरिका यहां से हटता है और तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। और कुछ और पॉइंट बता देंगे कि भारत क्यों, भारत की क्या क्या चिंताएं हैं और तालिबान हमसे क्यों रिश्ते बनाना चाह रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके प्रवक्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, और भारत के भी कुछ हित हैं और तालिबानों के भी कुछ हित हैं। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, और इस तरह के टॉपिक आपकी परीक्षाओं में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिएगा या फिर आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा चर्चा में टॉपिक हो कोई, उससे क्वेश्चन पूछने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, गोला है, इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। आप सभी जानते हैं हमारे पड़ोसियों को देख लीजिए, ये आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ आप देखेंगे नेपाल, ऊपर चाइना, पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। हमारी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है, जो आप पीओके वाला क्षेत्र देखते हैं ना, पाकिस्तान के कब्जे में है, इसकी सीमा आप देखेंगे आपके अफगानिस्तान से लगती है। और जब तक हमारा पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था भारत का, भारत और पाकिस्तान को अलग करने, भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा थी डूरंड रेखा। अब आप देखेंगे एक डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, और आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, रेड क्लिप रेखा, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना की सीमा बनाती है एक तरह से। तो आप देख सकते हो, और हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता ये भी है, क्योंकि आप देखिए यहां हम लोग तीन फ्रंट पर खड़े हुए हैं, तीन तरफ से हमें खतरा आ रहा है, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक आप देखेंगे चाइना। चाइना तो आप जानते हैं कि लद्दाख के कुछ हिस्से पर हमारे कब्जा भी किए हुए हैं। एक बार आपको अफगानिस्तान देख लीजिए, इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं कि आप काबुल है, और ये बगल में ही पाकिस्तान भी है, और जो तालिबानी संगठन है, एक कट्टरवादी सोच रखता है, इस्लामिक कट्टरवादी सोच का संगठन है। आप सभी जानते हैं कि जो धार्मिक कट्टरवादी सोच वाले संगठन होते हैं, वो बेटियों पर कई तरह, लड़कियों पर कई तरह की आप देखते हैं पाबंद लगा देते हैं कि इन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, इन्हें नौकरी नहीं करना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, कपड़े इस तरह के पहनना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि देखिए, कट्टरवादी सोच के कोई भी संगठन हो, किसी भी देश में हो, कभी नहीं उसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उसका भुगतान सभी को करना पड़ता है। अब आप देखिए अफगानिस्तान में सभी को करना पड़ रहा है। देखिए यह है आपका अमेरिका, यूएसए, ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर
तालिबान के बारे में आपको बताऊं तो 1990 में एक संगठन बना था जो कट्टरवादी इस्लामिक संगठन था, और पाकिस्तान में शुरुआत में इसकी एक तरह से नींव रखी गई। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लोग जुड़ते गए और एक तरह से एक कट्टर और कट्टर संगठन बनता गया, और पूरे अफगानिस्तान में आप देखते हैं कि एक समय इस पर कब्जा हो चुका था इसका, और अभी भी आप देख रहे हैं फिर से हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छिड़ने के लगभग 2 दशकों के बाद हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई है। 20 साल तक आपका अमेरिका अफगानिस्तान में रहा। पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में अमेरिका की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति बिडेन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान से संचालित अलकायदा आतंकवादी नेटवर्क को महत्वपूर्ण ढंग से विफल कर दिया है, और इसके नेता ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया, जिसने 9/11 के आतंकी हमलों का इंसाफ भी पूरा हो गया है, ये अमेरिका का मानना है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रपति बिडेन के अनुसार 2001 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का यही मुख्य लक्ष्य भी था, ना कि राष्ट्र निर्माण था, और इस तरह से राष्ट्रपति बिडेन ने अफगानिस्तान से सैनिकों को सही ठहराने का बुलाने का सही निर्णय कहा है। हालांकि इस तरह के विचार कई लोग इस आधार पर विरोध भी कर रहे हैं कि पिछले अमेरिकी राष्ट्रवादी राष्ट्रपतियों ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जीतने के प्रमुख पहलू में तालिबान को सत्ता से हटाने का लक्ष्य रखा था। इससे पहले जितने भी आप देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनका सबका तालिबानों को सत्ता से बेदखल करना ही लक्ष्य था, और इसी वजह से आप देखेंगे अमेरिका ने अलकायदा नेटवर्क को खत्म करने और ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद अपने संसाधनों का अफगानिस्तान में निवेश जारी रखा रहा। आप सोचिए, अगर आपका काम हो चुका था, आपने ओसामा बिन लादेन को मार दिया था, तो आपको तभी निकल जाना चाहिए था यहां से, समझ रहे हैं? और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जिस आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करने का प्रण लिया था वह सफल नहीं हो सका, क्योंकि अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी नेटवर्क काफी सक्रिय हैं। आप भी देखते हैं हमारे देश में भी समय समय पर इस तरह की आतंकी घटनाएं घटती रहती हैं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आप देखिए हर रोज घुसने की अंदर आने की कोशिश करते हैं और मारे भी जाते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य बलों द्वारा चलाए जा रहे निकासी प्रयासों पर इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों का हमला इसका एक स्पष्ट उदाहरण भी है। आपने देखा हो जब अमेरिका वापसी कर रहा था और अमेरिका के सैनिक के आप देखने हैं कि मिलेंगे कि अफगानिस्तान में थे, तब अफगानिस्तान में कुछ आतंकी हमले भी हुए हैं। और आप देखेंगे तालिबानी हक्कानी गुट के भीतर बढ़ती गुटबाजी से गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, और जो इस क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से पिछले 20 वर्षों में वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में 2 ट्रिलियन, आप समझ रहे हैं, 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक व्यय हो चुका है, और आप देखेंगे 2300 यानी कि 2300 से अधिक सैनिकों को खोने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हासिल की गई मामूली उपलब्धियां भी नष्ट हो सकती हैं। आपको बता दूं कि यहां 2 ट्रिलियन खर्च कर चुका है डॉलर अमेरिका, और अपने 2300 सैनिकों को भी गंवा चुका है। यहां तालिबानों से लड़ाई में आप कह सकते हैं कि इसके 2300 सैनिक मारे गए। उसके बाद आप सोचिए कि अमेरिका कह रहा है हमने उपलब्धि हासिल कर ली है, तो आप इसका मूल्यांकन बेहतर कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अब भारत की चिंता क्यों बनी हुई है, और आपने देखा है कि भारत की तरफ से अब बात भी की जा रही है तालिबान संगठन से, इसके लोगों से, क्योंकि अब आप क्लियर हो चुका है कि अफगानिस्तान में अब देखिए आप लोग कि सत्ता तालिबान की ही आएगी, क्योंकि पूरी तरह से आपने देखा है कब्जा हो चुका, और यहाँ के जो राष्ट्रपति साहब थे वो देश छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए भी हमें अब देखिए कि अफगानिस्तान में जो भी सत्ता में आता है उससे बात करनी होगी। एक तो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने भारी निवेश कर रखा है, यहाँ अरबों रुपये यहाँ हम लोगों ने खर्च कर दिए। आप देखिए कई परियोजनाएं हम लोग चला रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ संसद बनाई हुई है, यहाँ की संसद भवन, आप समझ रहे हैं,
और इस तरह की कई हम लोगों ने छोटी बड़ी परियोजनाएं चलाई हुई है। तो एक सबसे पहले तो हमें अपना जो निवेश है इसको सुरक्षित करने की बात होनी चाहिए, ये भी हमारे लिए चिंता बना हुआ है। और आप देखते हैं कि कई भारतीय अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं, वहां रह रहे हैं, तो एक चिंता का कारण हमारे लिए ये भी बना हुआ है। और एक चिंता का कारण ये भी बना हुआ है कि पाकिस्तान का मोहरा ना बन जाए तालिबान, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि तालिबान जो पाकिस्तान है ये आतंकियों का सहारा लेकर हमारे यहाँ घुसपैठ कराता रहता है, हमारे यहाँ आतंकी हमले करवाता रहता है, और कहीं तालिबान को इसने अपने साथ ले लिया तो ये भी हमारे लिए काफी चिंता का कारण बन सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि आतंकवादी जो संगठन है इन्हें तालिबान का समर्थन ना मिलने लगे, और हम लोग जब भी बात करेंगे तो यही हमारे प्रमुख पॉइंट होंगे, इन्हीं पर हम लोग बात करेंगे, तालिबान से समझौता करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि तालिबान के यहां सत्ता में स्थापित होने के बाद आप समझिए देश दुनिया में जहां भी इस तरह के कट्टरवादी सोच वाले संगठन होंगे उनका हौसला और बढ़ेगा, वो भी आप देखेंगे इस तरह के कदम उठाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा तालिबान ये सत्ता बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो इस तरह के संगठन भी आपको उभरने में उभरेंगे, देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग तालिबान की बात करें कि तालिबान हमसे दोस्ती के लिए इतना बेकरार क्यों है, तो एक तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा भुखमरी आज अफगानिस्तान में बनी हुई है, क्योंकि आपने देखा है पिछले सालों से सूखा पड़ा हुआ है और भूख से आप सोचिए कि आने वाले समय में लोग मारे जाएंगे यहाँ। और आपने देखा है कि इसकी जो भी सहायता दी जाती थी उस पर भी रोक लगा दी गई, तो ये चाह रहा है कि हमारे जो भी पड़ोसी हैं उनसे हमारा व्यापार हो, भारत से इसे खाद्यान्न मिले, और देश के रूप में एक मतलब आप सोचिए सत्ता के रूप में स्थापित हो और सत्ता को मान्यता दे, तालिबानों को मान्यता दे भारत, इसकी पूरी इसी यही कोशिश है। और आप लोग इसीलिए देख रहे हैं कि ये बार बार कह रहा है कि हम वो तालिबान नहीं है 20 साल पहले वाले, हम बदल चुके हैं, हम महिलाओं को जगह देंगे सत्ता में, मतलब महिलाओं को पूरी पूरे अधिकार देंगे, सुरक्षा की बात कर रहा है। ये तो आने वाले समय में ही मालूम चल सकता है कि तालिबान कितना बदला है, और बदला है या नहीं कि दिखावा कर रहा है। और तालिबान के ऊपर एक क्लास और ली हुई थी हम लोगों ने, तो उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा इतिहास हम लोगों ने बात की हुई है, ठीक है, उसमें बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। चलिए, तो यही उपलब्धि रही है और यही क्या खोया और क्या पाया अब आप ही मूल्यांकन कर सकते हैं, आपके सामने सभी पॉइंट रख दिए हैं, अब आपको सोचना है कि पाया सच में कुछ पाया या सब सच में कुछ खोया, क्योंकि आप देखिए अमेरिका कभी नहीं कहेगा कि हमने कुछ नहीं पाया, अमेरिका कहेगा कि हमारा काम जो था वो हो चुका है, उद्देश्य पूरा हो चुका है। और इसके जो विपक्षी होंगे वो कहेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, अमेरिका बुरी तरह से हार गया, अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को दोनों पॉइंटों को देख के उसका निष्कर्ष निकालना है और आपको लिखना है। आप सभी देखते हैं कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, आपके मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी बताते हैं, लास्ट में अपना मूल्यांकन भी लिख देते हैं, अपनी राय भी दे देते हैं, ठीक है। और इस तरह के प्रीलिम्स के लिए भी आपका महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए अमेरिका के बारे में सभी पॉइंट याद रखिए, अफगानिस्तान के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है, इनसे लगे सभी देशों को भी याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलिए, तो यही कहानी है इसकी, तालिबानों की और अमेरिका के बीच की।